साहब, साहब क्या है? साहब हमारा नाम प्रीतम यदुवंशी है, हम चक्र नगर गांव के रहने वाले हैं। तो हम अपना जुर्म कबूल करने आए हैं। हमने एक खून किया। मेरे हालत का जिम्मेदार प्रीतम ही है। छोटे लोगों के घर में शादी करोगे? विद्या, 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 ये क्या किया तुमने? पागल हो गई हो क्या? ये भगवान! तुम्हें पता है प्रीतम को देखने लड़की वाले आए। तो यह बात तो तय हो गई, एक हफ्ते के बाद सुमन और प्रीतम दोनों की सगाई हो जाएगी और फिर 10 दिनों के बाद दोनों की शादी कर देंगे। ठीक है समधी जी? जी समधन जी, मैं आज ही पंडित जी से मिलकर मुहूर्त निकलवा लेता हूँ और सुमन बिटिया को हमारे घर की बहू बनाकर हमें भी बेहद खुशी होगी। और आपकी बेटी हमारे घर में बहू की तरह नहीं, बेटी की तरह ही रहेगी। समधी जी, अब आपकी बेटी हमारे घर में बेटी बनने जा रही है। लीजिए मुंह मीठा तो कीजिए। तो इससे तुम्हारी शादी हो रही है? क्यों कर रहे हो उससे शादी? क्योंकि इसके पास बहुत पैसा है, क्योंकि ऊंची जाति की, क्योंकि तुम्हें अच्छा दहेज दे रही है। और तुम्हें पैसे चाहिए तो मैं दूंगी ना तुम्हें सारे पैसे, तुम्हें जो चाहिए वो दूंगी। प्यार करते थे ना मुझसे, कहा था छोड़कर नहीं जाओगे, फिर ये सब क्या है? देखो एक बात कान खोल के सुन लो, अगर हम दोनों के बीच कोई भी आया है ना तो हम उसे छोड़ेंगे नहीं। तुम सिर्फ और सिर्फ हमारे हो। मुझे इनसे कुछ बात करनी है, डू यू माइंड? ओके मैम। अगर आंखों की सिकाई हो गई हो तो एक इम्पोर्टेंट सवाल पूछूं? पूछिए। ये हम देख रहे हैं कि आप बहुत दिनों से नजर गाड़ कर बैठे हैं हम पर हमें तो पता ही नहीं कि आपका नाम क्या है और आप कौन से सेक्शन में? छोटा सा नाम है, प्रीतम यदुवंशी। मैं साइंस सेक्शन में हूँ और मैं भी आपका नाम जानना चाहता हूँ। आपको हमारा नाम नहीं पता? सच? नहीं, मतलब जितना आप हमारा पीछा कर रहे हैं हमें तो लगा कि आपको हमारे बारे में सब कुछ पता होगा, यहाँ तक कि हमें लगा कि आपने हमारी जन्म कुंडली भी निकाल ली होगी। अच्छा वो सब छोड़ो, उससे भी इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि हमें तो पता ही नहीं है कि तुम इसे देख रहे थे या हमें। हमारी ना एक्चुअली 100 की शर्त लगी है तो हम जानना चाहते थे। आपका नाम क्या है? ये सलोनी है और हम विद्या। सलोनी जी, आप शर्त हार गई हैं। क्या? जी। सच्ची? कसम से? मतलब आप इतने दिनों से हमारे पीछे मजनू बन के घूम रहे हैं? विद्या कसम। तो ठीक है, तो अब तो हमें पता चल गया ना कि मैं शर्त जीत गई। तो मेरे 100 रुपए तैयार रखना, ओके? डन। और आपसे हम बाद में मिलते हैं। जी। बाय। बाय। हाय। जब दो लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं तो ठीक इसी तरह उनकी जिंदगी में रंगों की बौछार होती है। प्रीतम और विद्या की जिंदगी में भी प्यार का झोंका चला, रंगों की बारिश हुई, मगर दोनों को इस बात का इल्म नहीं था, खबर ही नहीं थी कि बहुत जल्द प्यार का यह झोंका दर्द के तूफान में बदलने वाला है। Increase in debit. Okay, fine. And this is the only that. Sorry. No, it's okay. Sorry. It's okay. मदद के लिए thank you. Hi. Hey. क्या बात हो रही थी? किससे? उसी से जिसकी किताबें गिर गई। उससे मैंने सॉरी बोला, उसने बोला इट्स ओके और फिर मदद के लिए थैंक यू बोल के चली गई। बस बस? हाँ बस, और क्या। कुछ नहीं, मेरी क्लास है, मैं क्लास के बाद तुमसे मिलूं? ओके। हाय। हाय। तुम प्रीतम से बात कर रही थी कुछ देर पहले। प्रीतम? प्रीतम? विद्या, मैं प्रीतम से बात नहीं कर रही थी। तो उससे गलती से मेरी बुक्स गिर गई थी, वो मुझे सॉरी बोल रहा था और मैंने उसे कहा इट्स ओके। पर फिर तुमने स्माइल किया। स्माइल क्यों किया? स्माइल तो मैंने ऐसे ही कर दिया था। हाँ। अच्छा अपना बैग देना। क्या? बैग 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 दो। डरो मत, चोरी नहीं करूंगी। उठाओ, उठाओ। I'll help. Come. थैंक यू नहीं बोलोगी? मैंने तुम्हारी हेल्प की बैग उठाने में। थैंक यू विद्या। और आई शुड से सॉरी क्योंकि मैंने सब कुछ गिराया ना। स्माइल नहीं किया तुमने, ये अजीब है। प्रीतम के सामने स्माइल किया, मेरे सामने स्माइल नहीं करोगी? हाँ हाँ, जरूरत नहीं लगी होगी ना, है ना? आज के बाद मेरे प्रीतम से दूर रहना, समझी? लीव। मैं देख रही हूँ। अरे तुम क्या देख रही हो? मुझे, अरे मैं देख रही हूँ। एक सेकंड, हट मुझे। सलोनी मुझे फूंक मारने दो एक बार। हटो, हटो सलोनी। अरे हटो ना। विद्या ये कर क्या रही हो तुम यार? विद्या साथ घर चलते हैं। देर से घर जा रही हो? हाँ वो मुझे जरूरी बात करनी थी तुमसे। बोलो। आज जब सब वॉलीबॉल खेल रहे थे और प्रीतम की आंख में चोट लग गई थी तो हम मदद कर रहे थे ना, फिर अपनी टांग क्यों अड़ाई? हम टांग नहीं अड़ा रहे थे, हम उसका इलाज करने की कोशिश कर रहे थे। तुम लैला की तरह चिल्ला रही थी उसे देख के, चोट लग गई, चोट लग गई। अगर हम कुछ जुगाड़ नहीं बिठाए होते ना तो उसकी एक आंख माता जी को प्यारी हो गई होती। और तुम्हारा ये जो प्यार है ना वो अंधा नहीं कहना होता। वेरी फनी। अच्छा सलोनी, तुम्हें आंखों का इलाज करना बहुत अच्छे से आता है ना? हाँ, हमें आंखों का इलाज बहुत अच्छे से आता है। ग्रेट। वैसे ये आंख थी ना हमारे प्रीतम की, जिसको जिसको तुमने हाथ लगाया था, और तुम अपनी खुद की आंखों का इलाज कर सकती हो ना? ये कर लोगी ना? हुँ? तो कर लो। आज के बाद हमारे प्रीतम से दूर रहना, समझी? विद्या ये कॉलेज है या अखाड़ा? कितनी बेरहमी से मारा है मेरी बच्ची को। तुम्हारी ऐसी हालत किसने की बेटा? विद्या ने। सलोनी तुम विद्या को जानती हो, विद्या ऐसा नहीं कर सकती। विद्या इस कॉलेज की सबसे होनहार लड़की है। तो क्या भूत ने आकर मेरी बच्ची की आँख फोड़ी है? आप रुकिए, मैं विद्या को अभी बुलाता हूँ, आप खुद ही देख लेंगे कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। So, can I come in? जी सर। विद्या, सलोनी के पिताजी तुम्हारे ऊपर कितना गंभीर आरोप लगा रहे हैं कि विद्या की ऐसी हालत तुमने की है। क्या सर? मैं तो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैं नहीं जानती मुझ पे ऐसा आरोप क्यों लगाया जा रहा है। विद्या ये चिकनी चुपड़ी बातें करके सबको बहकाने की कोशिश मत करो। मैंने जब कुछ किया ही नहीं है तो मैं किसी को बहकाने की कोशिश क्यों करूंगी? सच सर, आप तो जानते हैं मैं ऐसे कर ही नहीं सकती। तो क्या हम बोरा गए हैं जो अपनी आप खोल के बैठ गए? सर नहीं, मैं नहीं जानती तो मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। प्लीज ऐसे मत करो, हमें छोड़ दो सर, हम ऐसा नहीं कर सकते। आप जानते हैं नाटक कर रही है। शांत हो जाओ सलोनी, विद्या ऐसा नहीं कर सकती। अपने इस बर्ताव के लिए विद्या से माफी मांगो। सॉरी। सर, हम जा सकते हैं? जाओ बेटा। प्रणाम कर। सलोनी रुको। देखो, हमने जो किया वो बहुत गलत था। हम जज्बाती हो गए थे। ये है हमें पीटने की वजह? देखो, हम कोई वजह नहीं बता रहे और ना ही कोई बहाना बना रहे। हम बस तुम्हें सॉरी बोलना चाहते हैं। हम जानते हैं हमने जो किया वो बहुत गलत था और हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था, पर तुमने जो किया वो भी तो सही नहीं था। और आइंदा से ऐसी गलती हुई ना तो हम छोड़ेंगे नहीं तुम। हाय हाय सलोनी, तो आपको क्या हुआ है? अरे सलोनी, तो हो क्या रहा है यार? कॉलेज की सारी लड़कियां अचानक से मुझे अवॉइड कर रही हैं। ऐसे कुछ भी नहीं, तुम बस मुझे कॉलेज के मिनट बाद मिलो, ओके? विद्या, आई एम रियली सॉरी यार, घर पे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना पड़ेगा। कल मिलते हैं ना? मैं वेट कर रही हूँ। पर बाय। अरे पर विद्या, ये क्या किया तूने बेटा? विद्या क्या किया बेटा तूने? ये क्या किया तूने? विद्या, ये क्या किया? कैसे नहीं तुमने? हमने कभी नहीं सोचा था कि आपकी बेटी विद्या की शिकायत के लिए हमें कॉलेज में आपको बुलाना पड़ेगा। आपकी बेटी विद्या काफी काबिल और होनहार बच्ची है, मगर कुछ दिनों से कुछ लड़कियों की उसके साथ मारपीट की शिकायत आ रही है। हाँ सर, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ। सर, अभी कुछ दिनों पहले तो उसने अपने हाथ की नस काट ली थी सर, और आजकल तो उसके घर में भी बर्ताव बड़ा अजीब सा हो गया है। बड़ी चिंता रहती है गुरुजी, क्या करेगी भविष्य में वो। देखिए, कॉलेज की लड़कियों से हमें पता चला है कि आपकी बेटी विद्या हमारे कॉलेज के एक लड़के प्रीतम से प्यार करती है। यही प्यार उसके बर्ताव में बदलाव के लिए जिम्मेदार है। हमने प्रीतम के माता पिता को भी यहाँ बुलाया है, वो भी यहाँ आते ही होंगे। इस मामले को इसी चार दीवारी में बंद कर देते हैं, जिससे इन बच्चों का भविष्य सुधर जाए। जैसा आप उचित समझे। तुम क्लास को छोड़ के ऐसे यहाँ क्यों बैठे हो? क्या हुआ? तुम हमसे बातें नहीं कर रहे, इतना गुस्सा। पता है कितने प्यारे लगते हो जब गुस्से में होते हो। क्या हुआ बताओ ना। विद्या बंद करो ना ये सब, क्या बचपना है ये। तुम्हें नहीं समझ में आता है कि हम तुमसे बात नहीं करना चाहते? छोड़ दो हमारा पीछा। देखो, वो तो होने से रहा, हम हैं एमपी के देवदास, अपनी पारों का पीछा ऐसे कैसे छोड़ सकते हैं? बताओ, तुम हमें ठोकर मारते रहोगे और हम अपनी नस काटते जाएंगे। कौन हो तुम? क्या हो तुम? मुझे कभी कभी लगता है कि मैंने जिस लड़की से प्यार किया था ना, वो नहीं हो तुम। हम कभी समझ ही नहीं पाए तुम्हें। हम वही हैं। हमारे प्यार में एक बार डूब कर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि हम तुमसे कितना प्यार करते हैं। हम बस ये चाहते हैं कि तुम भी हमसे उतना ही प्यार करो जितना हम तुमसे करते हैं, बस। हम प्यार करते हैं तुमसे, उतना ही प्यार करते हैं, बल्कि उससे कहीं ज्यादा करते हैं। सच। पर विद्या, हमें कोई बेवकूफी करने की जरूरत नहीं है अपना प्यार साबित करने के लिए। तो तुम हमको उतना प्यार करते हो जितना हम तुमसे करते हैं। तुम सच कह रहे हो? विद्या का सच। हम नहीं मानते। तो एक काम करो, मत मारो फिर, हम जा रहे हैं। क्या तुम हमारे लिए जान दे सकते हो? प्रणाम गुरुजी। आइए यदुवंशी जी, बैठिए। बुरा ना माने तो आप एक अलग चेयर मंगवा दीजिए, हम इस कुर्सी पर बैठना उचित नहीं समझते जिस पे ऐसे लोग बैठे हो। आप उस सोफे पर बैठिए। बताइए गुरुजी, क्या बात? यदुवंशी जी, आपका बेटा प्रीतम की बेटी विद्या से प्यार करता है। इस रिश्ते की वजह से विद्या कॉलेज की दूसरी लड़कियों के लिए परेशानी बनी हुई है। विद्या, विद्या नहीं, क्या करने जा रही हो तुम? हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं विद्या। क्या तुम हमारे लिए छत से कूद सकते हो? विद्या, 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 हमें पूरी जिंदगी बिता रही है साथ में। प्लीज नीचे। विद्या कसम, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम प्यार करते हैं ना तुमसे। प्लीज नीचे उतारो, प्लीज। हम कभी तुम्हारे साथ छोड़कर नहीं जाएंगे। प्लीज 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 नीचे उतारो, प्लीज। पागल हो गया तुम? क्या करने जा रही थी? तो क्या करे हम और क्या करें? हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं प्रीतम, और जब तुम्हारे पास कोई आता है, तुम्हें छूता है, तो हमें नहीं अच्छा लगता। हमें डर लगता है कि वो कहीं तुम्हें हमसे छीन कर ले जाएगा। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, हम तुम्हें नहीं खो सकते। हम भी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, हम कहीं नहीं जाएंगे, हम किसी को बीच में भी नहीं आने देंगे। पक्का? पक्का। हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते, हमें कभी छोड़कर मत जाना। पक्का बताओ, कभी छोड़कर नहीं जाओगे? प्लीज हमें छोड़कर मत जाना, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह पाएंगे, नहीं जाएंगे। पक्का? तो कहो हमारी कसम। विद्या कसम। गुरुजी, अब इनकी लड़की हमारे लड़के से प्यार करती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? आपने खामखा हमें गांव से यहां तक आने की तकलीफ दे दी। हाँ, इनसे कहिए कि हमारे बेटे के साथ रिश्ता तोड़ दें, बात खत्म। जी, लड़कियों ने तो बताया कि आपका बेटा प्रीतम भी विद्या से प्यार करता है। ये क्या बात कर रहे हैं आप गुरुजी? आप जानते हैं आप हमारे बेटे के बारे में बात कर रहे हैं? हमारा बेटा इन जैसे लोगों के साथ ऐसी नीच हरकत कर ही नहीं सकता। इन्होंने ही फंसाया होगा। कैसी बातें कर रहे हैं आप गुरुजी? ये बेइज्जती करवाने के लिए बुलवाया था आपने। देखा गुरुजी, अब इन जैसे लोगों को पढ़ाओगे लिखाओगे तो कल हमारे सर पर चढ़कर नाचेंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? शिक्षा का अधिकार तो सभी का है। ये अपना सरकारी भाषण आप अपने पास रखिए और सुनिए, हमने हमारे बेटे के लिए एक लड़की ढूंढ ली है, वो भी हमारी जात बिरादरी और हमारी हैसियत की। बेहतर यही होगा कि आप इन्हें समझाएं कि अपनी बेटी को काबू में रखें। और एक काम कीजिए, आप दोनों को बुलाइए। अब तुम इन जैसे छोटे लोगों के घर में शादी करोगे? चल घर, मैं तुम्हारे प्यार का भूत उतारता हूं। अरे चल। अरे सूरज अभी तक डूबा नहीं, इतना अंधेरा क्यों है यहाँ? उजाला करिए। हाँ, विद्या और प्रीतम की जिंदगी भी ऐसे ही अंधेरे में डूबती जा रही थी। समाज के खोखले नियम जैसे जात पात, रीति रिवाज, इनकी वजह से इन दोनों के बीच की दूरियां बढ़ती जा रही थी। इन्हीं दूरियों के साथ साथ बढ़ती जा रही थी विद्या की सनक और दूसरी तरफ प्रीतम, जो कि पिता से डर के विद्या को अपना नहीं पा रहा था। पता नहीं क्या होगा विद्या का, क्या ये दोनों एक हो पाएंगे, क्या प्रीतम साहस जोड़ पाएगा अपने पिता के सामने अपने प्यार को अपनाने का, पता नहीं। चलिए ना देखते हैं। ये लो दहेज, इससे शादी कर रहे थे ना तुम, उससे कई ज्यादा पैसे लाई हूं मैं। अब तो शादी करोगी मुझसे? अंकल जी आप... आपको चोरी करने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है, पकड़ लो इसे। प्रीतम, अब हमारी सगाई होने वाली है। तुमने हमें विद्या के बारे में बता तो दिया है सब कुछ, फिर भी सगाई से पहले हम तुमसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। पूछो। क्या तुम विद्या से अब भी प्यार करते हो? ये कैसा सवाल है? आसान सा सवाल है। क्या तुम अब भी विद्या से प्यार करते हो? सच कहें तो हमें तो उसकी सनक से डर लगता है, पता नहीं कब क्या कर बैठे। अब देखो ना, जेल से छूटे हुए 1 हफ्ता हो गया उसे, कुछ अता पता ही नहीं है कहाँ है, क्या कर रही है, और किसी से पता भी नहीं चल रहा उसके बारे में। प्रीतम, हमारे सवाल का ये जवाब नहीं था। प्यार करते हो उससे? प्रीतम यादवंशी जी, चलिए हमारे साथ। रुको सर, मैं जानता हूँ उसको। तुम ही प्रीतम हो? हाँ। जब से लड़की हमको मिली है बस तुम्हारा ही नाम ले रही है और हॉस्पिटल जाने के लिए मना कर रही है। क्या क्या तुमने इसके साथ? मैंने किया सर, मैंने क्या किया? मेरे हालत का जिम्मेदार प्रीतम ही है। इसको ले चलो पुलिस स्टेशन। अरे सर मैंने कुछ नहीं किया है, बिट्टा झूठ बोल रहा हूं, मैंने कुछ नहीं किया सर। प्रीतम यदुवंशी, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेन वापस ले ली गई है। जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैंने तुम्हें उस कॉलेज में पढ़ने भेजा, और तुम्हें भी और कोई लड़की नहीं मिली उस पागल को छोड़ के? कैसी बातें कर रहे हैं आप? क्या कैसी बातें कर रहा हूं? तुम्हारा बेटा ऐसी लड़की से प्यार करता है जिसका अगला कदम समझ में ही नहीं आता है। एक दिन केस ठोक देती है, दूसरे दिन वापस ले लेती है। मजाक बना रखा है क्या? अरे तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारे घर में आने की? क्या हुआ विद्या को? तुमने और तुम्हारी बेटी ने हमारा जीना आराम कर रखा है। एक मिनट पापा, क्या हुआ? विद्या, विद्या, आप चलिए, मैं चलता हूँ। प्रीतम, ये क्या बचपना है? इतना सब होने के बावजूद भी तुम मुझसे मिलने जा रहे हो? पापा, कुछ जख्मों का भरना जरूरी होता, बस वही करने जा रहा हूं। चलिए। विद्या, टेंशन की कोई बात नहीं, अब हम लोग तुम्हारा ध्यान रखेंगे। सॉरी, मेरे वजह से आप दोनों को बहुत परेशानी हुई और मैंने केस भी वापस ले लिया। तुम हमेशा कहते थे ना कि हम तुम्हें कभी समझ नहीं पाए, पर अब हमें ऐसा लगता है कि हमने तुम्हें समझने में गलती कर दी। हमें आज तक पता नहीं चला कि तुम हमें छोड़कर गए क्यों। चलो, हालांकि सुमन बहुत ही अच्छी लड़की, पर हम भी तो बुरे नहीं हैं। हमने पूरी कोशिश कर ली, गुस्सा, प्यार, जिद, जबरदस्ती, पर तुम्हें अपना नहीं बना पाए। रही बात जात पात की, तो अगर तो उन सब में मानते तो कॉलेज में हमारे पीछे कभी नहीं आते। हमने तो पूरा गांव तक को सर पे उठा लिया सिर्फ ये पूछने के लिए कि आखिर ऐसी क्या गलती हो गई हमसे। खैर, कहते हैं ना कि प्यार में बर्बाद होने का मजा ही कुछ और होता है, तो हो गए हम तो बर्बाद, पर तुम्हें बर्बाद नहीं होने देंगे। हम आशिक ना बन सके पर दोस्त तो बन ही सकते हैं। तुम दोनों को शादी मुबारक है। अब जाओ घर, जाओ जाओ। चलो, थैंक यू। ध्यान रखना अपना। थैंक यू। प्रीतम, अगर तुम मेरे नहीं हो तो किसी के नहीं हो सकते। प्रॉब्लम है। One second. ठीक हो? तुम यहाँ? बहुत कोशिश की तुमको बुलाने की, पर हम तुम्हें नहीं बुला पाए। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, प्लीज हमें चुप कर मान जाओ। हम नहीं बुला पाए, हमने की ना कोशिश, हमसे नहीं हुआ। अभी वक्त है, इसे छोड़ दो ना, तुम हमसे शादी कर लो, हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। अरे बेटा हम नहीं, इस हमें छोड़ कर नहीं, तुम तोड़ दो ना शादी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम मुझसे इतना प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। अभी करते हो ना, तुम भी मुझसे उतना ही प्यार करते हो जितना मैं तुमसे करती हूँ, है ना? तो इसकी क्या जरूरत है? इसकी तो जरूरत ही नहीं है। मतलब? तो इसे खत्म कर देते। हाँ, इसे खत्म कर देते। विद्या, विद्या। खत्म कर देते। विद्या। छोड़ो। छोड़ेंगे नहीं। विद्या। विद्या, 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 साहिब, साहिब। क्या है? साहिब, हमारा नाम प्रीतम यदुवंशी है, हम चक्र नगर गांव के रहने वाले हैं। तो हम अपना जुर्म कबूल करने आए हैं, हमने एक खून किया। राम सिंह, और हम करते भी हैं साहिब। ऐसी सन की लड़की से पहला पड़ा था। प्यार भी क्या चीज है ना, बेहद खुशी भी देता है और गहरा गम भी। कुछ लोगों के लिए ये पूजा से कम नहीं है, और देखिए कुछ लोगों के लिए सनक बन जाता है। प्रीतम की कमजोरी और विद्या की सनक ने दोनों की जिंदगी बर्बाद कर दी। अगर प्रीतम थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर विद्या को अपना लेता तो ये सब कभी होता ही नहीं, उसे जेल नहीं जाना पड़ता। और अगर विद्या के प्यार के जज्बात उस पर हावी नहीं होते तो उसकी जान नहीं जाती। इसलिए मुझे लगता है बहुत जरूरी है इंसान के लिए कि वो अपने जज्बात काबू में रखे, वरना पछतावा के अलावा उसके पास और कोई चारा नहीं बचता। चलिए, मैं तो चला। अरे आऊंगा नई कहानी लेकर, जानते तो हैं आप। लव यू, गॉड ब्लेस। ये खेल हमने ही शुरू किया था और हमसे ही खत्म होगा।